ज्ञानस्थली स्कूल में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का हुआ स्वागत। यादव समाज के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री को क्षेत्रीय राजनीति की बताई गई हकीकत। कस्बे के ज्ञानस्थली स्कूल में रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव का पूर्व विधायक एवं ज्ञानस्थली स्कूल प्रबंधक शिव प्रसाद यादव द्वारा बैंड बाजों के साथ जोरदार स्वागत कराए जाने के साथ विधुना क्षेत्र की राजनीतिक जमीनी हकीकत से भी अवगत कराया गया। इस मौके पर समाज के क्षेत्रीय दिग्गजों द्वारा विधुना विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव को क्षेत्र की राजनीति का मजबूत स्तंभ बताकर और सीट फतह करने के लिए संभावित विधानसभा चुनाव में विधुना क्षेत्र से उन्हें भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने का केंद्रीय मंत्री को सुझाव दिया गया। कहा गया कि सैफई परिवार से लोहा लेने वाला यह व्यक्ति भाजपा को मजबूती प्रदान करेगा और प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव ने कहा कि भाजपा इस क्षेत्र में किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी, यह पार्टी आलाकमान के ऊपर निर्भर है, लेकिन वो क्षेत्रीय जनभावनाओं को आलाकमान तक अवश्य पहुँचाएंगी। लेकिन जिसे भी चुनाव टिकट मिले सभी को एकजुट होकर प्रत्याशी का प्राण से सहयोग और समर्थन करना चाहिए। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष श्री राम मिश्रा, राजेंद्र सिंह चौहान, प्रमोद बॉर्डर, पूर्व प्रधानाचार्य लाखन सिंह यादव आदि लोग मौजूद रहे। अमित कुमार शर्मा, विधुना रेडियो। ज्ञानस्थली विद्यालय के प्रांगण में विद्यालय के संचालक श्री प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित जिलाध्यक्ष आदरणीय मिश्रा जी, उपस्थित प्रभारी जिला प्रभारीगण और साथ साथ चल रहे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुधीर जी, सभी सम्मानित इस उरैया जिला के हमारे अभिभावकगण, सभी दूर दूर से आए सभी साथी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सबसे पहले आप सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आज इस विद्यालय में आने का अवसर आप लोगों ने दिया और साथ ही साथ भारत सरकार के शिक्षा मंत्री होने के नाते इस स्कूल प्रांगण में आने के बाद मुझे भी काफी अच्छा लगा और आज आप लोगों के बीच बहुत विस्तृत रूप से उपाध्यक्ष क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुधीर जी ने आपको बता दिया। क्योंकि झारखंड से आते हैं, निश्चित रूप से पहली बार यहाँ औरैया आने का अवसर मिला और उत्तर प्रदेश के बारे में अक्सर उत्तर प्रदेश सुर्खियों में हुआ करता था, अखबार की सुर्खी में उत्तर प्रदेश होता था, न्यूज के सुर्खी में उत्तर प्रदेश होता था। तो उत्तर प्रदेश छिपा हुआ किसी से नहीं है, उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी है और खास करके इटावा औरैया के बारे में तो और विशेष रूप से। तो तीन दिन से लगातार अभी इटावा और इटावा में थी, उसके बाद औरैया आने का अवसर मिला। तो इटावा घूमने से ऐसा महसूस हुआ